शिक्षक दिवस के अवसर पर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज द्वारा रिटायर्ड शिक्षकों के सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को कॉलेज के सभागार में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में गोआक्टा के पूर्व अध्यक्ष व आईटीएम गीडा के रजिस्टर डॉक्टर एस एन सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप में गोआक्टा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, फुफुक्टा के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर भगवान देव मौर्य, डॉक्टर भगवान सिंह धीरेन्द्र सिंह सहित कई शिक्षक मौजूद रहे। समारोह के दौरान अतिथियों ने दिग्विजयनाथ कॉलेज के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने समाज में शिक्षकों के महत्व और उनके दायित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि शिक्षक न सिर्फ देश को सही दिशा देता है बल्कि वो भविष्य को भी तैयार करता है, इसलिए समाज में शिक्षकों का काफी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षकों को हर परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्हें अपने दायित्वों को भली भांति निभाना चाहिए। वो कठिन साहित्य कैसे लिख सकता है? 18 से जो शिक्षा प्राप्त की और आप जो लोग न जानते हो वो जाने, अपने ऑटोबायोग्राफी में राधा कृष्ण ने लिखा है कि मैं इत्तेफाक से दार्शनिक हो गया। इतने साधारण परिवार के थे कि एमए करने के लिए उनके पास पुस्तकें नहीं। उनके पिताजी जमींदार के यहाँ रिविलू में एक छोटे कर्मचारी थे और वो चाहते थे कि इन्हें मंदिर का पुजारी बना दिया जाए गांव का, राधा कृष्ण को, कि आसानी से जो मंदिर में सामान चढ़ावा पूजा मिलता है वो हमारे परिवार को प्राप्त होगा और हमारे जीविकोपार्जन का एक साधन होगा। लेकिन उनका एक कजिन शब्द, उन्होंने अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया है, चचेरा मौसेरा जो भी भाई, उसने फिलासफी से एमए किया था और सारी पुस्तकें उन्होंने राधा कृष्ण को दे दी और इसलिए राधा कृष्ण ने फिलासफी से एमए किया। मैंने ही बिकेम ए फिलासफर बाय एक्सीडेंट। अगर उनको पुस्तकें नहीं मिली होती तो एमए नहीं किए होते और शायद दूसरे विषय की पुस्तकें मिली होती तो उस विषय के वो छात्र हुए। और इतने बड़े दार्शनिक हुए, महान शब्द भी, इससे ज़्यादा शब्द मेरे पास है नहीं। और मैं समझता हूँ कि महान शब्द भी राधा कृष्ण के व्यक्तित्व और कृतित्व को परिभाषित नहीं करता। जब उनके लिखित ग्रंथों को मैं टटोलने लगा, आज भी मुझे लगता है कि इतना कैसे कोई लिख सकता है इतने जटिल विषय पर, वेदांत पर और दर्शन पर। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा मित्रों, आपको कभी अवसर हो तो मिले, जो सबसे बड़ा योगदान राधा कृष्ण का था अपने इस लेखन के द्वारा, उसके द्वारा दुनिया को भारतीय दर्शन से परिचित कराने, अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्सेसिबल यानी समझ, कैसे दुनिया को भारतीय दर्शन और संस्कृति की समझ आई, इसका योगदान राधा कृष्ण। दुनिया में उनके नाम से इससे बड़े आयोजन किए जाते हैं, उनका चर्चा की जाती है, उन पर शोध किए जाते हैं, लेकिन स्वयं इस भारत में, और शायद मेरा ये मन मानता है कि हमारे द्वारा किया गया यही पाप शायद समाज में तमाम विसंगतियों का कारण है कि इतने बड़े मनीषी जो हमारे जीवन को, समाज को निर्देशित करने का योगदान दे चुके हैं, उनको हम करीब करीब भुला चुके हैं। आज राधा कृष्ण के नाम से शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है, आप क्षमा करेंगे, मैं इस विद्यालय की बात नहीं करता, उत्सव धर्मिता ज़्यादा होती है और उनके दर्शन के बारे में, उनके नीतियों के बारे में चर्चा कम होती है। चीजों का मूल्यांकन पैसे से, ये लोग देख रहे हैं जिनका संदर्भ की है, सभी लोग हैं, आप सब लोग भी हैं, शिला लिपि हमारे समय की है, ऐसा नहीं है, तो ये भी संघर्षशील नहीं है, कहीं बेबाक बात करने वाली नहीं थी। तो भैया मैंने आज जो बैठे एक एजुकेशन की जरूरत है, हम तो पढ़ाते हैं ह्यूमन वैल्यूज, कंपनीज के अंदर वैल्यूज खत्म हो रही, मैं तो कहता हूँ खाते का ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो इसलिए नहीं है कि सीसी कमरे में यह देखा जाता है कि एच एन सिंह क्लास में कितने मिनट आए। ये मैं अपनी संस्था की बात बता रहा हूँ, कितने समय पे एसीजी कमरा वॉच करता था, मेरा एसेसमेंट एक समय था कि हाँ टीचर एसेसमेंट
करता था स्टूडेंट का, आज असेसमेंट हो रहा है, स्टूडेंट करता है कि ये कैसी गुड टीचर और बैड टीचर, ये सिनेरियो का चेंज। आज अध्यापक आई बिलीव है, आई के नहीं कारण हो सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, इसके बाद आपको सलाम करूंगा। एक कमरे में चार दीपक जल रहे हैं, पहला दीपक मायूस हो गया कुछ देर जलते हुए, उसने कहा कि मेरे दूसरी देने का क्या फायदा, कोई मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा, इसलिए वो जाना ठीक है। वह दीपक का उल्लास, दूसरा उसका देखा ये ठंडा हो गया, तो मैं तो इनका शांति कर रोशनी फैलाता हूँ, सब जगह उपद्रव है, तो मुझे जाना ही ठीक है, मेरे कोई सुनने वाला नहीं, वो भी बुझ गया। तीसरा दीपक वो भी बुझा, वो कौन था, एक श्री श्री कह सकते हैं संपन्नता, वो भी एक दीपक टिमटिमा रहा था, एक छोटा सा बालक आया, देखा कि अभी इतनी तो रुपये क्यों जल रहा है, उठाया, बहुत प्रसन्न हुआ, फिर उठा करके उसने बाकी को जला दिया, जलने लगे। वो दीपक था उम्मीद। मित्रों, चाहे जिस भी अवस्था में हमारे संगठन जा रहे हों, उम्मीद की किरण आप अपने लाइफ में रखिए। ये मैं पर्सनल अनुभव की बात कर रहा हूं, मैं तो बहुत सारी मिजरी से गुजरा हूं, जिसका बहाना कोई माने नहीं करता, लेकिन मित्रों के साथ मैं उस संबंध को याद करता हूं जो पुराने घर में दरवाजे हुआ करते, आपने देखा होता, आप समझ सकते हैं पुराने घर के दरवाजों की विशेषता बता पाएंगे, देखा नहीं बताई नहीं पाएंगे। पुराने घर के दरवाजे दो पल्ले के होते थे, जो एक दूसरे के साथ गले मिल करके सुरक्षा करते थे, आप देखो आज तो सिंगल लोग, सिंगल लोग, सिंगल फैमिली, हैप्पीनेस, अरे खा हैप्पीनेस, अकेलेपन में कौन सा यह आनंद है, कोई आनंद नहीं है, आनंद तो समूह में, या देख रहे हैं, मैं तो 2000 आम का रिटायर हूँ और 8 घंटे लगातार कम करता हूँ, 7:30 बजे घर से निकलता हूँ, 6 बजे घर आता हूँ, 2500 से ऊपर लगे, 250 से ज्यादा कर्मचारी, मैं सबके साथ हंसता हूँ, वो किसी को कोई प्रॉब्लम होने नहीं देता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है काय का प्रॉब्लम, ये है सर ऐसे होना चाहिए हो जाएगा, लेकिन इस प्रॉब्लम का कार्य जहां से शुरू हुआ पहले उसको रिमूव करके आओ, तुम्हारी प्रॉब्लम अपने आप हल हो जाएगी, रिमूव द रूट कॉज ऑफ योर प्रॉब्लम। बहुत सारी परेशानियां हैं, सब हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता है, दैनिक जीवन में ज्यादा के लिए परेशानी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम लोग चूंकि बहुत भौतिक हो गए हैं इसलिए सारी परेशानियां आपको दिखाई दे रही हैं। हम अध्यापक थे, भौतिक नहीं थे, भौतिक नहीं, जैसे इन्होंने बताया आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि क्या डॉक्टर स्टेशन पर तबा बिछा करके मेरा रजिस्ट्रेशन को कोई सोच सकता है, अध्यापक आदि का जो 1.5 लाख तनखा पाएगा, तो ये 1.5 लाख भी कहीं कहीं चुभता है, वो 5 लाख हाथ में स्टंट डालने का ले जाएगा, सपने एक नहीं ले जाएगा, तो ये अलग इशू है, लेकिन उम्मीद कभी मत छोड़ना, एक अध्यापक
उम्मीद बहुत बड़ी होती है, चाहे कितनी भी हमारी आलोचना हो सर, कितनी भी आलोचना हो उससे हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ेंगे।